फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएं कि लैपटॉप चालू कैसे करें यदि आपके घर में बिजली आ रही हो। तो आप सीधे बिजली से चला सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से कनेक्ट कर लें इस पिन को, और अब हम यहाँ से इसको खोलेंगे। अभी हमने एक हाथ में कैमरा होल्ड किया हुआ है, इसलिए हम इसे थोड़ा खोल लेते हैं आराम से, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये लैपटॉप लिनोवो का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, हम तो फ्लैश लाइट ऑन कर दिए हैं। इसमें AMD का प्रोसेसर लगा हुआ है, और हम आपको फ्लैश लाइट बंद करते हैं, आपको दिखाते हैं कि लैपटॉप ऑन कैसे कर। देखें, यहाँ पे एक ऑन बटन दिया हुआ है, इसको हम प्रेस करते हैं और फिर हमारा लैपटॉप ऑन होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, लैपटॉप हमारा शुरू हो गया। ये देखिए, यहाँ पर फिर वेलकम स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। हमने यहाँ पर डेल कंपनी का कीबोर्ड लिया हुआ है, और जो हमारे पास माउस है ये भी डेल कंपनी का ही है, तो बहुत अच्छा माउस है, आप इसे खरीद सकते हैं। और ये देखिए, हमारा लैपटॉप ऑन हो चुका है। अब हम देखिए रिफ्रेश कैसे करने। रिफ्रेश करने के लिए लैपटॉप को आपको इस बटन को क्लिक करना होगा। जैसे कि हम आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए, यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा, और इसमें आप रिफ्रेश में क्लिक करें और ये रिफ्रेश हो जाएगा। और लैपटॉप को बंद करने के लिए विंडो बटन पर जाएं और फिर पावर बटन पर क्लिक करें, इसके बाद शट डाउन पर क्लिक करें, जिसके बाद आप देखेंगे कि आपका लैपटॉप शटिंग डाउन होने लगेगा। इसके बाद आप इसको फोल्ड ज़रूर करें, क्योंकि इससे स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं आती। धन्यवाद।